ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मूल हूँ। जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, जापान, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं। अच्छा, एक तो क्वेश्चन से, लाइक एज ए पाकिस्तानी, स्पेशली गर्ल लिविंग इन पाकिस्तानी सोसाइटी, जो बाहर से भी होके आई है और काफी एक्सपोजर मुझे है अब्रॉड का, आई वेंट टू कनाडा टू स्टडी एंड ऑल, तो लाइक बट आई सिंस आईव कम बैक हियर, लाइक आईव रियलाइज्ड कि ये कितना बीएस है ये सारी रिलीजियस एंड स्टफ. तो हाउ 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 शुड आई लाइक अप्रोच इट इफ आई वांट टू, लाइक फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स हु जिनको मैं फुली ट्रस्ट करती हूँ, दे नो दैट यू नो आई हैव सच बिलीव, बट हाउ टू लाइक दिल भी करता, लाइक आई वॉन्ट टू कम आउट टू पीपल एंड से कि अच्छा जी आई डोंट बिलीव दिस, आई डोंट वॉन्ट टू प्रे, आई डोंट वॉन्ट फास्ट, तो उसको कैसे अप्रोच किया जाए, बिकॉज आई थिंक यहाँ फेक करना इज द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन एनी वे, लेकिन उसको रखते हुए भी कि जी आई डू वॉन्ट टू लिव अ ट्रू लाइफ, तो उसको किस तरह, व्हाट डू यू सजेस्ट, व्हाट शुड पीपल लाइक मी डू? I mean, डिपेंड करता है कि आप किधर रहते हैं। अगर आप डिफेंस सोसाइटी में रहती हैं या किसी बड़ी अपर क्लास पॉश सोसाइटी में रहती हैं, मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ, बड़े ओपनली एथियस फिरते हैं पाकिस्तान में अपने सर्कल्स में, बट दे आर केयरफुल। आप किसी पाबशीर के साथ नहीं ना आप बातें करने लग जाएंगी देर इज नो गॉड। सो उसकी उसकी तो सारी बात कोई वो तो आ बैल मुझे मार वाली बात हो जाएगी। लेकिन देखें, आई डोंट टेस्टिंग द वाटर्स, मुझे नहीं पता। आप हल्का हल्का टेस्ट वाटर्स कर सकती हैं कि कैसे आप, जैसे अगर आप इटली गई हुई हैं, अगर आप इतना बाहर जाती आती रहती हैं। लुक, यू नो, मैं तो यही कहता हूँ कि मैं तो जब भी पाकिस्तान जाता था ना, इवन बिफोर दिस, अब तो खैर मैं नहीं जा सकता, लेकिन मैं जब भी जाता था ना, आई ऑलवेज फेल्ट सफोकेटिंग। इवन के जब मैं थोड़ा मॉडर्न इट इज मुसलमान भी वेरी बन गया, सफोकेटिंग, इट इज वेरी सफोकेटिंग. एक सफोकेटिंग एनवायरमेंट, और मर्द के होते हुए, आई मीन एज अ मर्द मैं उसको सफोकेटिंग इन्वायर, हालांकि मैं फिर भी जब भी मूड आया बाहर जाके अपने दोस्त के साथ गली में खड़े होके घंटा घंटा गप्पे मार लें, ये मैं कर सकता था। औरत होता, मैं लड़की होता तो शायद वो भी ना कर सकता, क्योंकि हर किसी ने जाने वाले ने सीटी मारनी थी, क्योंकि मैंने प्यारी ऐसे ही होता लड़की है, होना। लाइक अपने घर में भी, लाइक जब रमजान होता है वी हैव टू लाइक प्रिटेंड के अच्छा जी रोजा है, बट अगर किचन में ध्यान से जाएं कि अच्छा कोई है नहीं, अगर कोई देख ले जी हाथ में ग्लास का पानी दे, लाइक इवन जो मेड्स होती हैं, जो हाउस हेल्प होती हैं, लाइक आपका रोजा नहीं है, लाइक हाउ टू लाइक वो मैनेज नहीं हो सकता. और जहाँ तक कैट कॉलिंग की बात है, वो तो होता है. आई वॉज वन स्मोकिंग अपनी अकेडमी के बाहर खड़े होकर, तो गाय क्रॉस में, और वो आगे से कहते हैं आंटी चेन स्मोकर, लाइक ऐसी चीजें होती हैं, दे आर देयर, यू यू कैंट रियली हेल्प देम. हाँ, तो इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, और स्पेशली जब आप दुनिया देख लें, जब आप बाहर से, अगर आपका एक्सपोजर हो, अगर आप, यू नो, इटली इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस। ये कोरोने के बाद मैंने ओह, रोम इट में इज एक महीना रह के ब्यूटीफुल, आना, तो बहुत अच्छा उसमें लगता है. आपकी, जब आपको ये एक्सपोजर मिल जाए तो तब तो और सफोकेटिंग हो जाता। तो मैं, मेरा नहीं ख्याल कि आप, इट्स इन योर बेस्ट इंटरेस्ट के कम आउट पाकिस्तान में, अनलेस के आपने शहीद, जल्दी उम्र में शहीद होना, तो आप एक्टिविज्म कर सकती हैं औरत मार्च का, बट यू नो, पाकिस्तान से बाहर निकलो तो ज्यादा अच्छी है दुनिया। दैट्स माय ओपिनियन, यू नो, आई डोंट नो। राइट राइट, बस चले यही एक दो सवाल थे. चले, बहुत थैंक यू शुक्रिया, सो आपने मच. आपने हमारा नेटवर्क ज्वाइन किया हुआ है। जी, आई एम ऑनर्ड नेटवर्क, ओके, आई डोंट रियली पोस्ट मच देयर, आई हैव माय वर्क उसको एंड पोस्ट करने की स्टडीज. कोशिश करें, अब उसको पोस्ट करें, उसमें एंगेजमेंट अपनी बढ़ाएं लोगों के साथ। इस वक्त हमारे कोई 41 मेंबर्स हैं कि पता नहीं कितने हैं, तो ये इसको अभी हम और एक्सपेंड कर रहे हैं। हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं लोगों से कि जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं उसको, नेटवर्किंग को ज्वाइन करें, पेट्रियन में जाएं, और ताकि हम पाकिस्तान और इंडिया से एक्स मुस्लिमों को ले सकें, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो बेचारे फंसे हुए हैं पाकिस्तान में, वो बाहर आ सकें। बिल्कुल ऐसा ही है, ये यहाँ इतना बंद कर देते हैं आपको, स्पेशली जब रिसेंट लॉज पास हुए हैं जिनमें 4 साल के बच्चे तक को अरेस्ट कर रहे हैं, आई डोंट थिंक ये किसी को भी छोड़ेंगे. आई वाज टॉकिंग टू माय फादर द अदर डे एंड आई टोल्ड हिम के यू हैव टू बी केयरफुल, आप हालांकि माय फादर इज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, राइट, तो मैं उनको यही कहती कि डू नॉट टॉक अबाउट दैट, किसी से मजाक में भी नहीं पूछना, आपके दोस्त हो या कोई भी हो, इट्स गेटिंग वेरी डेंजरस हियर.
चले आप अपना ख्याल रखें, और जैसे मैंने आपको कहा, अगर आपको ये लग्जरी है कि आप बाहर पाकिस्तान से जा सकती हैं, सो यू शुड ट्राई टू अवेल दैट, इट्स वेरी राइट. सफोकेटिंग अच्छा एनवायरनमेंट इन एक एक और पाकिस्तान। चीज थी, जी यू टॉक्ट अबाउट ईरान के जो स्टेटिस्टिक्स थे जो आई थिंक अरमिन नवाबी ने उस टाइम शेयर अपार्ट किया, किया था, या राइट राइट. तो कैन वी कम अप विद समथिंग जो हम यहाँ कर सकते हैं, तो जस्ट जस्ट टू गेट द फिगर्स आउट कि अच्छा हमारे यहाँ ये भी है पाकिस्तान इटसेल्फ में, बिकॉज जो लास्ट आई थिंक सर्वे हुआ था वो 2012 में हुआ था आई थिंक. गैलप का था, तो यस। रिसेंटली हमें ओवरव्यू देना बहुत ज़रूरी है इन लाइट ऑफ जो हालात इस वक्त हुए हैं विद द मोटरवे इंसिडेंट एंड ऑल. आई थिंक वी हैव टू गेट इट आउट देयर कि ये जो हालात हो रहे हैं ये इंडॉक्ट्रिनेशन है थ्रू इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू द रिलीजियस व्यूज जो लोगों के हैं. हाँ लुक, आई मीन देखें, अब यही हम काम कर रहे हैं ना, हम इसको रिलीजियस एंगल हम इसमें दिखाते हैं। जैसे वो मौलवी, वो लड़का जो जर्नलिस्ट था, मौलवी का इंटरव्यू कर रहा था, वो जी ये जी खुल के नहीं कह बिल्कुल. सकता था। अगर वो किसी अच्छे मुल्क में बैठा होता, वो कहता जी है वो कुरान में तो ये डर के है। कलमा, डर के हाँ, कलमा भी पढ़ना शुरू हो गया था. वो डर के बेचारा कलमा पढ़। अगर पाकिस्तान में होता तो मैं भी खैर ना कहता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अगर मेरी किसी से इसी तरह बात हो रही होती, या इतना बड़ा मेरे पास प्लेटफॉर्म होता, मैं कहता है वाकई कुरान ये कहता है, फेंको फिर इस किताब को बाहर, मैंने फिर ये कहना था। तो लेकिन वो जाहिर बात है, वो बेचारे नहीं कह सकते वहां पे। तो ये लोगों के लिए कहने की जरूरत नहीं, लोगों के लिए सोचने की जरूरत है, क्या वाकई कुरान ये कहता है कि अगर रेप होता है औरत का तो चुप करके बैठ जाए अगर वो चार गवाह नहीं है उसके पास। अगर जी इतनी, अगर ये आपकी किताब ये कहती है, मेरे हिसाब से नहीं वैसे कहती, लेकिन अगर ये कहती है तो बड़ी बसीदा किताब है। अभी फेंको फेंको इसको, बाय फेंको। अच्छा, चले जो जी, आपने जियाउल हक वाली बात की थी ना कि जब उन्होंने ये उसने हदूद ऑर्डिनेंस किया था तो कोई रेप केस नहीं आया था, एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू. रेप केसेस आए थे बट उसमें ये भी स्टेटिस्टिक्स आप प्लीज इंक्लूड करना, आप देख लीजिएगा प्लीज कि जो औरतों की जेल थी उसमें आई थिंक अबाउट 70 to 80 थे बिफोर दिस ऑर्डिनेंस वॉज पास, एंड आफ्टर दिस ऑर्डिनेंस वॉज पास कोई 6,000 या 7,000 के करीब वो वहाँ पॉपुलेशन विमेन जेल्स हो गई थी. वो क्यों? क्योंकि अगर औरतें रेप का केस लेके जाती थी एंड दे डिड नॉट प्रोड्यूस फॉर आई विटनेसेस तो उनको जिना के केस में, एडल्ट्री के केस में जिसको कहते हैं, वो डाल दिया जाता था जेल में. तो इसके तो नंबर्स क्या हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है. जैसे जहां, अच्छा ऐसा नहीं था। नहीं, रेप केसेस रिपोर्ट हुए थे, ऐसा नहीं था कि रिपोर्ट नहीं होते, रिपोर्ट हुए थे बट क्योंकि वो फोर आई विटनेसेस प्रोड्यूस नहीं कर सकी थी तो उनको एडल्ट्री, जिना, क्यों? बिकॉज दे वर एक्सेप्टिंग द जी फैक्ट कि मैंने कहा उनका ना, हाँ सेक्सुअल रिलेशंस मैंने, थे. हाँ ठीक है, इसका फिर करेक्ट, ठीक है, आपने सही कहा, जो जो मैंने नहीं कहा, लेकिन मेरा ख्याल जो उनका पॉइंट है, जो लोग कहते हैं कि कोई केसेस नहीं हुए, उसका पॉइंट ये कि कन्विक्शन रेट जीरो हुआ, वाकई कन्विक्शन जीरो ही जी होने, कि जी कौन ऐसे चार ही, गवाह जी जी मैं लेके यही आएगा। कह रही हूँ. जी जी यही हाँ, मैं आपको कह तो रही हूँ. ये तो बल्कि, और उससे, और इससे ही ये साबित होता है, इससे हमारी जो ओरिजिनल मेरी स्टेटमेंट थी वो ज्यादा प्रूव होती है, कि वाकई जब लोगों ने देखना शुरू किया कि हैं ये तो, क्योंकि जब आप जाएंगे, आप पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस कहेगी भैन ना दे जी अपनी ये कंप्लेन ना यहाँ कर। तो दे डोंट इवन हैव प्रॉपर प्रोसीजर्स जिसमें हम आपसे पूछें कि आपके साथ क्या हुआ है, रेप किट्स हैं जो नहीं हैं. दे एक्चुअली स्टार्ट विक्टिम ब्लेमिंग, जैसे अभी रिसेंट केस में हुआ, दे एक्चुअली स्टार्ट हैरेसिंग यू कि अच्छा उसने तुम्हें कहाँ से टच किया, उसने कहाँ से तुम्हारे कपड़े उतारे, दे एस्क सच. और ये मेल मेल पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो विक्टिम्स से ऐसे सवाल पूछते हैं, तो ऑब्वियसली दे आर गोना बी रियली हेजिटेंट कि वो ऐसे सवालों के जवाब दें. वो खुद भी उनको क्या कहना चाहिए, आई डोंट इवन हैव वर्ड्स कि इनको क्या कहना चाहिए. चले, ये ऐसे ही है, और ये लोगों के लिए सोचने की जरूरत है कि अगर वाकई ये इनकी किताब इनको ये सिखाती है तो क्या फायदा है ऐसा, ऐसी किताब का। चले, बहुत जी शुक्रिया आने थैंक यू का, सो थैंक यू मच. थैंक यू जी। थैंक यू. ओके, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।